गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो प्रोनाउन हमने शुरू किया था उसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दो प्रोनाउन हम कर चुके हैं, कौन कौन से थे? पहला क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आज है तीसरा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिनको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक यानी कि हम इशारा कर बताते हैं कि यह, वह, वे, वो। तो इस प्रकार के जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और उन डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे शब्द हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस। ठीक है। चार जो हमारे ये वर्ड्स है ये हमारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम करते हैं कि इनका प्रयोग हम कहां कहां पर और किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस। दिस मींस यह है। जैसे निकट की कोई वस्तु है, यानी कि कोई नियर की कोई थिंग है, या कोई नाउन है, यानी कि संज्ञा या व्यक्ति कोई भी है, तो हम अगर नजदीक है हमारे कोई भी नाउन तो हम उसको कहेंगे दिस। जैसे दिस इज अ चौक। ठीक है। यह एक चौक है, यह मेरे नजदीक है, मेरे पास है, तो मैं इसके लिए इसका प्रयोग करूंगा दिस का। और दिस इज यूज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन। ठीक है। दिस का जो प्रयोग होता है वह सिंगुलर नाउन के लिए, यानी कि एक वचन संख्या के लिए यूज किया जाता है अगर मेरे पास एक चौक है। अगर हम दिस का प्लूरल करें यानी कि बहुवचन करते हैं तो वह होता है हमारा दीज। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि दीज आर चॉक्स, ठीक है, ये एक से ज्यादा हो गए, तो इसके लिए मैं प्रयोग करूंगा दीज आर चॉक्स। ठीक है। यहां पर मैंने कहा चौक का मैंने प्लूरल कर दिया और यहां पर जो दिस का जो प्लूरल बना वो क्या बन गया? दीज। ठीक है। यानी कि एक वचन से जब बहुवचन किसी संख्या का हम बनाते हैं तो उसके लिए वो हमारे नजदीक होती है, क्योंकि दिस का प्रयोग नजदीक नजदीक के लिए होता है, तो दिस का प्रयोग भी नजदीक के लिए होता है क्योंकि इसका प्लूरल है। तो दीज आर चॉक्स। तो दिस का प्रयोग आप दिस का प्रयोग समझ गए होंगे। आगे हम करते हैं दैट का प्रयोग। टी एच ए टी दैट। दैट मींस वह, कि जो चीज हमारे हमसे दूर है, फार है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति है अगर वह हमसे थोड़ा दूर है तो हम इशारे करने के लिए बोलते ना कि वह व्यक्ति है ना, वह पेन, वह घड़ा, वह लकड़ी, कुछ भी। जैसे हम दूर के लिए अगर हम यूज करेंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, वो भी सिंगुलर नाउन के लिए। जैसे दैट इज अ बॉल, कि वह एक गेंद है, अगर दूर रखी है तो हम बोलेंगे दैट इज अ बॉल। अगर हम दैट का प्लूरल बनाए तो हम कहेंगे दोस, वे, वह, वे, इनके वे गेंदे हैं। ये ज्यादा है अगर तो हम इसका क्या करेंगे? दोस आर बॉल्स। क्लियर है। अब आपने ये भी देखा होगा अगर हम एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं दिस का तो हम इसका प्रयोग करते हैं, और अगर हम दिस का प्रयोग करते हैं तो आर, यानी कि एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करते हैं। ऐसे इससे यहां पर दैट इज के साथ इज का प्रयोग करते हैं और दिस के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, आर का की बोल्स यहां पर ज्यादा है। तो यह आज का हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, आप वहां पे कॉल करें, मैसेज करें, और इसको लिख कर पूरे को आपको लिखना है और लिख कर इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा है, आप इसको लिखें और हमें सेंड करें। तो अगले वीडियो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।